अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो जुम्मा स्टार्ट हो चुका है, दूसरा रोज़ा स्टार्ट हो चुका है, अभी सहरी बनाऊंगी। हम लोग 2 बजे के उठे हुए हैं। आयजा को मैंने 8:30 बजे सुला दिया था क्योंकि उसको नींद आ रही थी। मैंने कहा चलो ये सो गई, हम भी सो जाते हैं। हम भी सो गए। ये क्या करा इसने, 2 बजे उठ के बैठ गई भाई। वो कह रही शायद दिन हो गया और कार्टून लगाऊँ मुझे, और मैंने कार्टून देखने, मतलब हम दोनों को 2 बजे से उठाया हुआ है। और रात अभी अभी मैंने ये 3 बजे रहे और इनका ये झूला डाला है। ये साहिबा झूले में बैठ के झूला झूल रही है और हम 2 बजे से उठे हैं। इतनी नींद आ रही है, कल भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी और 12:30 बजे मैं सोई हूँ सारे काम कर आके किचन के, और 2 बजे उसने उठा दिया। अब मैंने कहा अभी नहीं सुलाऊंगी मैं, अब सहरी करने के बाद ही इसको सुलाऊंगी मैं। अब तो अभी तो 3:30 हो रहे हैं, आधा घंटा है, 4 बजे तक बनाऊंगी सहरी। क्योंकि खा लेते हैं हम लोग तो 5 बजे तक आराम से खा पी लेते हैं, फिर भी 15 मिनट रह जाते हैं। तो 4 बजे तक सहरी बनाऊंगी अभी। तो अभी हम लोग इनके साथ ही लगे हुए हैं बस। गंजी गंदी बच्ची है, ऐसा गंदी बच्ची है ना, तंग करती है मम्मा पापा को। रात को 3 बजे झूला डलवाया इन्होंने। सो जाओ आप इसमें ही, बस थक गई। थक गई, रोक दो बच, चलो आ जाओ आओ। ओ गिरी 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 गिरी, ये गिर गई आयजा। चलो आ जाओ बस, आओ पट्टा लेके आओ, पट्टा लिया, पट्टा लेके आओ, आ जाओ। चले मुन्ने बैठे हैं, सहरी करें। आप भी रोजा रखेंगे आप हैं? आप रोजा रखेंगे? पराठा खाएं जल्दी से। आज की सहरी में हमारे पास है पराठे, चिकन कोफ्ते और चाय। इनफ बस। हाँ ठीक है, आप जल्दी से हम सहरी करते हैं। हाँ सहरी करते हैं ना आप जल्दी से, ठीक है? सैरी करके सबसे मिलते हैं हम लोग। ओके बाय बाय। नहीं अभी बाय बाय थोड़ी करना है। गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, सुबह नहीं बल्कि दोपहर हो गई है। 12 बजे तो हम सो के उठे थे, तो फिर मैंने जुम्मे की नमाज वगैरह पढ़ी, कुरान पढ़ा मैंने, तो अभी फ्री हुई हूँ। दही बड़े मैंने बना लिए हैं, अब बाकी चीज़ें और बनाना रह गई हैं। आयजा को नया सूट पहनाया था मैंने, दिखाएं अपना ड्रेस, दिखाएं आप, मम्मा ने सिया था ना कपड़े, दिखाएं गोल गोल घूम के, दिखाएं गोल गोल, गोल गोल घूम के दिखाएं ना सबको। पट्टा भी है ना आपका, पट्टा पहने, पट्टा पहने। और मेरा भी न्यू ड्रेस ये हस्बैंड ने ला के दिया था। आप लोगों ने पिछला व्लॉग देखा होगा मेरा, तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि ये वैलेंटाइन डे पे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट ला के दिया था, तो ये वो ड्रेस है, आज मैंने पहना है। मैंने कहा चलो आज जुम्मा है, न्यू ड्रेस पहनते हैं, न्यू तो नए कपड़े पहनना सुन्नत है जुम्मे के रोज़। तो मैंने भी नया सूट पहना था और आयजा को भी मैंने नया सूट पहनाया था। मैं चलती हूँ थोड़ी देर में इफ्तारी बनाने के लिए, क्योंकि 6:45 तो हो गए, बस 6 बजे तक मैं चली जाऊँगी किचन में, क्योंकि बनाते बनाते ना फिर वो अफ्तारी का टाइम ही हो जाता है। रोल समोसे और पकोड़े वगैरह मैं 6 बजे तक बनाऊंगी, जब तक मैं थोड़ा बहुत कुरान पढ़ लेती हूँ। ये इसकी हरकतें चेक करो जरा, गद्दी नीचे रखी और ऊपर चढ़ के चार्जर लेना चाह रही हैं वो। सारी गद्दियाँ देखो कैसे फैलाई हैं भाई, अभी सही करी थी मैंने, क्यों तंग कर दिया मम्मा को? सही करो गद्दियों को, कुशन सही करो जल्दी से, जल्दी से ठीक करें, जैसे रखे हुए थे वैसे ही रखें। नहीं सुन रही ना आप? नहीं ना, मैं आपसे कट्टी हो गई, उसको छोड़ दो, कट्टी हो गई मैं आपसे, छोड़ दो छोड़ दो इसको, नहीं खराब करो। समोसे हमारे फ्राई हो रहे हैं और रोल भी करना है फिर मुझे, फ्राई छोटा वाला आयजा का रोल है और एक ये खा लेंगे, बाकी जो है वो नगेट्स बनाने मुझे आयजा के लिए, नगेट्स तलूंगी थोड़े से और थोड़े से पकौड़े बनाऊँगी, बस ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा बहुत ही खाया जाता, ज़्यादा नहीं खाया जाता, तो मैं सब बना लूँ फिर आप लोगों को मिल। सुनिए इफ्तारी बन गई या नहीं बन गई? हाँ बन गई। क्या क्या बनाया है?
मैंने बनाए हैं प्याज और बंद गोभी के पकोड़े। तो आलू के कहाँ हैं? आलू के ये रहे ना, और समोसे, रोल, नगेट्स, बाकी ये यहाँ दही बड़े बने हुए हैं। अच्छा, और कस्टर्ड भी है, केक भी है, फ्रूट चाट भी है। अरे फ्रिज में होगी ना वो तो, ये तो बस टाइम हो गया। चलें अफ्तारी लगाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोग, वो दस्तरखान पे मिलते हैं। हमारी इफ्तारी लग चुकी है और आयजा ने तो खाना भी स्टार्ट कर दिया है। आयजा का रोज़ा खुल गया अभी से। और गिर गया, कोई बात नहीं, मैं उठा लूँगी। आप खाएं, सिर्फ खाने पर फोकस करें आप। मम्मा साफ़ कर लेंगी सब, बस आप खाएं। ये ले मजे के। 14 मिनट्स रह गए हैं, टाइम लिखा हुआ आ रहा है, तो अभी बहुत जल्दी लगा लिया हमने। मैंने कहा चलो लगा लो, अब क्या मतलब पहले से लगाना चाहिए, और जो है फिर दुआ भी मांगनी चाहिए, तो हर दुआ कबूल होती है इफ्तारी के टाइम पर। जब आप लोग बैठे हैं सबको याद किया करें दुआ में। तो चलें रोज़ा खोल के आप लोगों को मिलते हैं हम लोग। इफ्तारी हो चुकी है और नमाज भी पढ़ ली है मैंने। अच्छा, मुझे एक चीज़ और दिखानी थी आप लोगों को। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं हैंड मिक्सर मंगवाऊँगी, तो फाइनली हमारा हैंड मिक्सर आ चुका है। खोल के दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। पे निकल जा, ये चेक करो, ये रहा हमारा हैंड मिक्सर। ये इसके लगाने के वो हैं, दो ये वाले हैं और दो ये वाले हैं, आटा गूंदने वाले, दो बीट करने वाले हैं और दो आटा गूंदने वाले, चार हैं ये टोटल। तो इंशाल्लाह, और एसी ओवन का कवर भी आ गया हमारा, ये वाइट है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं ना केक बनाऊंगी। मेरा काफ़ी टाइम से ना बहुत दिल कर रहा था कि मैं केक बनाऊं, फिर रमज़ान आ गया, मैंने कहा रमज़ान में कौन खाएगा, मैं हमारा रोज़ा होता है, मेरा भी और हस्बैंड का भी रोज़ा होता है, तो कौन खाएगा रमज़ान में, इसलिए मैंने अभी बनाया नहीं। मैंने कहा चलो अभी 2-3 दिन ज़रा गुजर जाए, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी केक, कपकेक बनाऊंगी, क्योंकि कपकेक जो है वो आयजा भी खा लेती है, तो मैंने कहा चलो वो भी खा लेगी, फिर रात में जैसे हमें भूख लगती है, खाना वगैरह तो खाया नहीं जाता, हम सिर्फ अफ्तारी ही करते, तो मैंने कहा चलो हम भी अपने लिए खाने के लिए बना लेंगे, वो भूख लगी तो रात में उसको खा लो। अब इससे बनाऊंगी मैं हैंड मिक्सर से, बेसब्री से मुझे इसका इंतज़ार था, मैं कब से कह रही थी कि मैं ये मंगवाऊँगी, तो फाइनली आ चुका है, तो हम बहुत जल्द कपकेक्स बनाएंगे इंशाल्लाह। आयजा तो सो चुकी है, अब मैं किचन में जाती हूँ, किचन में जाके सारे बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, जो अफ्तारी के बर्तन हैं वो धो के पेड़े बना के रखना, ताकि जल्दी से पराठे बन जाएं सहरी में, वो बना के फिर उसके बाद मैं भी सो जाऊँगी जाके, क्योंकि सहरी में उठना होता है, फिर नींद पूरी नहीं होती, सहरी में टून हो रहे होते हैं, खाया भी नहीं जाता अच्छा ये सहरी में के ना, ज़्यादा नहीं खाया जाता, पता नहीं लोग इतना भर भर के कैसे खा लेते हैं, 2-2 पराठे, 3-3 पराठे, हमसे तो एक ही नहीं खाया। अब हम मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तो चलें बस यही व्लॉग था आज का मेरा, तो आई होप कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया मेरा व्लॉग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।